हेलो। किसी भी कंट्री के विज़िट वीज़ा के लिए जब भी आप क्यूरी मुझे भेजते हैं, यानी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं या कॉल करते हैं, तो कोशिश ये किया करें कि अगर किसी टाइम पे कॉल अटेंड नहीं होती तो उस सूरत में आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी क्यूरी जो है वो भेज दिया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कनाडा के विज़िट वीज़ा के लिए इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से या अदर वीज़ा के हवाले से, तो आप उसमें वो क्वेश्चन पूछ लिया करें। उससे होता क्या है कि एक तो आसानी होती है आपकी बात को समझने से, कि आपने कोई बात पूछी है, कोई क्वेश्चन आपने पूछा है, तो उसका फौरी तौर पर रिप्लाई हो जाए। समटाइम होता है कि रिप्लाई इन टाइम नहीं हो पाता ड्यू टू सम रीज़न्स, या ओवरलुक हो जाता है, तो उसके लिए माजरत है। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे कोई क्यूरी आती है तो मैं उसको एड्रेस करूँ, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। समटाइम आप कॉल्स करते हैं, कॉल पे फिर रिकॉर्ड भी उस तरह से नहीं रहता कि कॉल आई है, उसको कॉल बैक नहीं हो सकती फौरी तौर पर, या किसी टाइम पर बंदा भूल जाता है। तो एक तो ये चीज़ ध्यान में रखें, और फिर जब आप क्वेश्चन पुट करें तो उसमें सारी डिटेल पूछ लें। यानी आप मुझे कुछ मैसेज इस तरह के आते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मुझे वीज़ा चाहिए। अब देखें, उसमें थोड़ा सा ज़रा समझने की कोशिश मुझे, अब उसमें पहले आपको ये पूछना पड़ेगा कौन सा वीज़ा चाहिए, आप करते क्या हैं। तो बनिस्बत इसके कि मुझे ये क्वेश्चन आपसे पूछने पड़े, आप सिंपल उसमें अपनी प्रोफाइल मेंशन कर दिया करें कि जी मुझे कनाडा के विज़िट वीज़ा के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और मेरे पास ये बैंक स्टेटमेंट है इतने महीने की, ये बैलेंस है, मेरे पास ये ट्रैवल हिस्ट्री है, मेरे पास ये बिजनेस है मेरा, या मैं ये जॉब कर रहा हूँ, इतनी सैलरी है। ये चीज़ें आप मुझे अगर बता दें तो उसका बड़ा क्विक रिस्पॉन्स हो सकता है कि जी ठीक है, आपकी ये चीज़ें कंप्लीट हैं, इन पे फोकस कर लें, कुछ देर इनको और मैनेज कर लें, और फिर उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर लें। तो कोशिश करें इस तरह से क्यूरी जो है वो आप मुझसे पूछ लिया करें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड है, यूके के रिलेटेड है, कनाडा के रिलेटेड है, या कोई और आपकी क्यूरी है। स्टूडेंट वीज़ा के लिए सेपरेट से कांटेक्ट है, आप उस पर क्यूरी लॉक कर दिया करें। तो इससे हमें भी आसानी होती है, और हमें कोशिश ये फिर ये होती है कि व्हाट्सएप पे जब मैसेज आता है तो हम फिर उसको कहीं जब बिजी हों, जब फ्री टाइम में बैठे हैं, या वैसे कहीं थोड़ा सा इजी हों, तो हम उनको एक दफ़ा स्क्रॉल डाउन करके जो मैसेजेस सीन नहीं होते या जिनको हम नहीं जवाब दे सके उनको कॉन्टेक्ट कर सकें, उनको बता सकें कि जी आपकी जो क्यूरी है उसका ये रिस्पॉन्स है। तो एक तो ये ज़रा जो है वो मेहरबानी किया करें कि वो आप इस तरह से पूछ लिया करें, तो आपका ये इसमें आसानी हो जाएगी, आपके लिए भी और हमारे लिए भी जो भी वीज़ा के रिलेटेड है। और दूसरा, चूंकि कुछ एजेंट्स ने इस तरह के बातें की हुई हैं कि जी आपको विजिट वीज़ा जो है वो मिलना ही मिलना है, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, सारे ही अप्लाई कर सकते हैं, तो वो लोग जिनकी अपनी प्रोफाइल नहीं है, हिस्ट्री नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल ज़ीरो पे होते हैं, तो वो भी कहते हैं जी मेरा भी अप्लाई हो जाए। तो किसी ना किसी तरीका से ही होना होता है, ऐसे नहीं होता डायरेक्ट।